मैं हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात सुनी, आज समाचार पत्र में जो छपे हैं मैं उसका एक पंक्ति उद्धृत करना चाहता हूं। जी उन्होंने ये कहा कि सिपाही बहाली में वैसे लोगों को प्राथमिकता मिलेगी जो शारीरिक रूप से मजबूत है। ये उन्होंने नहीं कहा कि वो ठप्पाधारी भी हो तो चलेगा, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि हम प्राथमिकता देंगे, मतलब कि यदि पढ़े लिखे व्यक्ति वैसे सिपाही के लिए चुने जाएंगे जो सिर्फ पढ़े लिखे होंगे और शारीरिक क्षमता उनकी नहीं के बराबर होगी, तो उनको राइफल देकर क्या होगा, वो तो उग्रवादी लूट लेगा। इसलिए शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति को, पढ़े लिखे नहीं हो ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा प्राथमिकता देंगे। फर्स्ट क्या, शारीरिक क्षमता या शिक्षा, पहले क्या? नहीं, सुनिए, शारीरिक क्षमता, देखिए पहले शारीरिक क्षमता होना चाहिए सिपाही के लिए, ठीक है, एसपी के लिए, एसपी के लिए पहले शिक्षा होना चाहिए। सिपाही सिपाही एसपी रहेगा क्या, एसपी आगे नहीं शारीरिक बढ़ेगा, रूप एसपी डीएसपी से, नहीं बनेगा, आप उसको उसी नजरिए से देखते हैं कि हमेशा वहीं पर रहेगा। अरे ये मैं नहीं कह रहा हूँ रजनी जी, तो क्या मैं कह रहे ये हैं आप? कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आईएएस आईपीएस यदि शारीरिक रूप से थोड़े कमजोर भी हो और उनका ब्रेन आईएएस आईपीएस का है तो वो सेलेक्ट हो जाएंगे आईएएस आईपीएस में। लेकिन सिपाही की नौकरी के लिए छत्तीसगढ़ प्राथमिकता में कैसे पढ़ाई होती लिखाई है जरूरी सर? है सर छत्तीसगढ़ में कैसे होती है ये बताइए, सिपाही की नियुक्ति आपकी सरकार क्या? है ना, वहां पे वहां कैसे होती है नियुक्ति? क्या वहां कहा क्या, आपने? छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, वहां कैसे नियुक्ति होती है सिपाही की? देखिए छत्तीसगढ़ की नियुक्ति के बारे में आप छत्तीसगढ़ के लोगों से पूछिए। अरे आपकी सरकार है तो आप हमारे ही यहाँ माननीय पे हैं। मुख्यमंत्री ने झारखंड के संदर्भ में ये बातें कही हैं। अच्छा आप कांग्रेस के नेता नहीं है? आप जब मैं आपके तमाम लोग तारीफ करते हैं छत्तीसगढ़ की कि वहां का मॉडल देखिए, अब आपसे हम ये कह रहे हैं कि वहां किस तरीके से भर्ती होती है सिपाही देखिए की, एक बात मैं आपको ये भी आपको नहीं बता पता है? रजनी जी, एक बात मैं बता दूं आपको, जब तक हमारे पार्टी के लोग हमारी पार्टी की भाषा बोलते हैं तब तक विपक्ष को वो खराब लगता है। अरे सर मैं ये आपसे पूछ रही हूं।